आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके तेज प्रताप पर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने फिर गंभीर आरोप लगाए। जी हां, आपको बता दें कि तेज प्रताप वैसे भी अपने कई जाने माने कामों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं तो कभी कृष्ण बनकर लोगों के बीच चले जाते हैं। उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया। ऐश्वर्या ने कहा कि उनके पति तेज प्रताप गांजा पीते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। दरअसल ऐश्वर्या ने तलाक के मामले में अदालत में ये जवाब दाखिल किया था बीते दिनों। अपने जवाब में उन्होंने तेज प्रताप पर कई आरोप लगाए थे। तेज प्रताप की पत्नी ने यह भी कहा था कि तेज प्रताप उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि शादी के बाद उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया कि उनके पति ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स के नशे में वो कई बार भगवान शिव के अवतार भी बन जाते हैं। ऐश्वर्या की तरफ से ये भी कहा गया है कि तेज प्रताप राधा और भगवान कृष्ण के कपड़े पहनकर भगवान की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रग्स लेने के बाद तेज प्रताप यादव घाघरा चोली पहनकर बालों में विग लगाते हैं और राधा बन जाते हैं। ऐश्वर्या ने यह भी कह दिया कि उन्होंने अपने ससुराल वालों को इस बारे में बताया था लेकिन उन लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। ऐश्वर्या की माने तो अपनी सास राबड़ी और नरेंद्र से तेज प्रताप के व्यवहार के बारे में उन्होंने बातचीत की थी। उस वक्त उनकी सास ने उन्हें ढांढस बंधाया था लेकिन तेज प्रताप के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। बता दें आपको कि ऐश्वर्या और तेज प्रताप का विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था लेकिन तेज प्रताप जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के सामने आए हैं और जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वाकई में ऐश्वर्या के आरोप हो सकता है सच भी साबित हो जाए। हालांकि बीते दिनों जिस तरीके से इन दोनों का विवाद अपने चरम पर था, उसे देखकर तो यही लगता है कि तेज प्रताप के लिए मुसीबतों का पहाड़ अब खड़ा होता दिखाई दे रहा है। LD न्यूज़ रूम से दीपक सहाय की रिपोर्ट।